प्राचीन काल में वैद्य नाड़ी की गति से बीमारियों की पहचान करते थे। धीरे धीरे अब यह विधा खत्म होती जा रही है। राजधानी भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज में नाड़ी तनगिनी मशीन से मरीजों की नाड़ी की गति पहचानी जा रही है। मशीन में लगे सेंसर से नाड़ी की गति को पहचान कर एसिडिटी, अल्सर और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की पहचान कर इलाज किया जा रहा है। यह मशीन बताती है कि इंसान कितना स्ट्रेस ले रहा है। नाड़ी की रफ्तार से यह पता चलता है कि व्यक्ति हाइपरटेंशन का शिकार तो नहीं है। यदि वह लंबे समय तक हाइपरटेंशन का शिकार रहता है तो उसे कार्डियक अरेस्ट और दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज के रोग निदान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रीता सिंह ने बताया कि आज के समय में नाड़ी वैद्यों की संख्या कम हो गई है। नाड़ी की गति से बीमारियों का पता लगाने वाली इस पद्धति के आधार पर नाड़ी तरंगिणी मशीन काम करती है। यह मशीन किसी भी इंसान की नाड़ी की गति को पहचान कर उसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर देती है। वात, पित्त और कफ की स्थिति के अनुसार मरीज का उपचार किया जाता है। शरीर में वात, पित्त, कफ दोष हैं, इस पर आधारित है। 7 प्रकार की नाड़ी बताई गई है, वात, पित्त, कफ, गंधज और सन्निपात। तो कौन सी नाड़ी हमारी है ये इस इंस्ट्रूमेंट के से हम पता कर सकते हैं कि इसमें हमारी अग्नि कैसी है, पेशेंट कितना इसमें स्ट्रेस ले रहा है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।